हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपके बीच एक बार फिर से आ चुके हैं। आज इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जानकारी देंगे। जैसे कि आपने सारे कैंडिडेट बहुत कमेंट किए थे और बहुत बार पूछे थे कि सर ANM के बारे में जानकारी दीजिए, ANM नर्स के बारे में पूरी कंप्लीट जानकारी आप लोग कमेंट करके पूछे थे, बहुत कमेंट आया था। तो हम भी सोचे कि हम एक अच्छा वीडियो बना करके आपके बीच डाल दूं, जिससे कि सारे कैंडिडेट ANM नर्स के बारे में पूरी जानकारी अच्छी तरीके से प्राप्त कर सके। तो आज की इस वीडियो के लेक्चर में हम पूरी डिटेल्स जानकारी देंगे, इसलिए वीडियो के माध्यम से आप लोग पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे और स्किप नहीं करिएगा, एक एक करके देखिएगा। इस वीडियो में हम आपको हाईलाइट कर देते हैं टॉपिक जो आपको हम बताएंगे। सबसे पहला पॉइंट कि ANM क्या है, ANM करने के लिए क्या करना होगा, इसके लिए योग्यता क्या है, ANM कहाँ से करें, ANM अगर प्राइवेट कॉलेज से करेंगे तो कितना फी लगेगा, गवर्नमेंट कॉलेज से करने के लिए क्या रूल रेगुलेशन है, सरकारी नौकरी कहाँ मिलेगा। उसके बाद दोस्तों ANM में अगर सरकारी नौकरी करते हैं तो सैलरी कितना मिलेगा, इन सारे टॉपिक पर हम आपको एक एक करके बारी बारी से सारा जानकारी देंगे। तो चलिए सबसे पहले हम आपको टॉपिक लेकर चलते हैं कि ANM क्या है। ANM क्या है, सबसे पहले ANM का पूरा फुल फॉर्म आप लोग जान लीजिए, ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफरी होता है, जिसको हम लोग हिंदी में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता कहते हैं। तो ये जो ANM होते हैं एक नर्सिंग कोर्स के अंतर्गत आते हैं, यानी कि नर्सिंग कोर्स के अंतर्गत ही ANM का कोर्स आते हैं, यानी आप लोग नर्स कह सकते हो। अगर आप लोग एक नर्स बनना चाहते हो तो ANM का कोर्स कर सकते हो। अब अगर आप ये ANM का कोर्स करना चाहते हो तो आप लोग को कैसे करेंगे, तो ANM का कोर्स करने के लिए आप लोग को सिर्फ 12th पास आउट होना चाहिए। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन होता है वो 12th पास आउट होना चाहिए। अब बहुत सारे स्टूडेंटों के मन में कंफ्यूजन रहते हैं कि 12th पास होना चाहिए किस सब्जेक्ट से, जैसे कि साइंस, आर्ट, कॉमर्स, किन सब्जेक्टों से आप लोग को यहाँ पर 12th पास आउट होना चाहिए। तो 12th पास आउट आप लोग किसी भी सब्जेक्ट से हैं तो ANM का कोर्स कर सकते हैं, लेकिन आपके सब्जेक्ट में इंग्लिश सब्जेक्ट होना ज़रूरी है। जैसे कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो ANM का कोर्स करना चाहते हैं, उनके साथ आर्ट सब्जेक्ट होते हैं इंटरमीडिएट के क्लास में, इंटर में, लेकिन उनके सब्जेक्टों में इंग्लिश का सब्जेक्ट नहीं रहता है। तो अगर इंग्लिश सब्जेक्ट आपके इंटरमीडिएट में नहीं है, 12th में अगर आप लोग इंग्लिश पास आउट नहीं किए हो तो फिर आप ANM का कोर्स नहीं कर सकते। तो सीधी से एक लाइन समझ लीजिए, किसी भी सब्जेक्ट से हो तो आप ANM का कोर्स कर सकते हो, लेकिन आपके सब्जेक्ट में इंग्लिश सब्जेक्ट होना ज़रूरी है। ये चीज़ हो गया। अब एक और बात बता देता हूँ कि लिंक डिस्क्रिप्शन में है ऑफिशियल वेबसाइट का, उसे क्लिक करके ANM के बारे में पूरी जानकारी खुद से भी ले सकते हो। तो अगर चाहते हो कि ANM के बारे में पूरी जानकारी खुद से पढ़ो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे क्लिक कर लीजिएगा, ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है और पूरी जानकारी कंप्लीट वहाँ से पढ़ सकते हो। अब यहाँ पर एज का भी मायने रखता है। अगर आप लोग ANM का कोर्स करना चाहते हैं तो मिनिमम एज 17 वर्ष होना चाहिए, मिनिमम 17 ईयर्स एज होना चाहिए, और मैक्सिमम एज की बात करोगे तो मैक्सिमम एज 35 वर्ष होना चाहिए, यानी 17 वर्ष मिनिमम एज और मैक्सिमम एज 35 वर्ष हैं तो आप लोग ANM का कोर्स कर सकती हो। ANM का कोर्स सिर्फ लड़कियों के लिए होता है, लड़की इस कोर्स के ही करते हैं। अब इस कोर्स का ड्यूरेशन जानोगे तो कोर्स ड्यूरेशन 2 ईयर्स का होता है, यानी कि 2 वर्षों का कोर्स यहाँ पर ANM के कोर्स किए जाते हैं। अब दोनों ईयर में अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ना होता है। अब फर्स्ट ईयर का सिलेबस अलग होते हैं और सेकेंड ईयर का सिलेबस अलग होते हैं। तो फर्स्ट ईयर का सिलेबस के लिए हम अलग वीडियो बना करके आप लोग को अपलोड कर देंगे, अगर सिलेबस चाहिए तो, और सेकेंड ईयर का जो आप लोग का सिलेबस चाहिए उसके लिए हम अलग वीडियो बना करके आप लोग को डाल देंगे। तो सिलेबस के लिए अलग रहेगा क्योंकि सिलेबस लंबा है, उसको एक एक करके बताएंगे। तो आप लोग बिल्कुल कमेंट करिएगा तो हम आपको सिलेबस भी प्रोवाइड करा देंगे। तो आप लोग ये टॉपिक समझ गए। उसके बाद अब बात करेंगे कि ANM कैसे करें। अगर हमें ANM गवर्नमेंट कॉलेज से करना है, सरकारी कॉलेज से ANM करना है तो कैसे करेंगे। अगर आपको ANM सरकारी कॉलेज से करना है तो किसी भी राज्य से हो तो आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होता है, यानी कि एक प्रवेश परीक्षा लेते हैं। हर एक राज्य अलग अलग लेते हैं, जैसे बिहार राज्य के लिए अलग होता है, बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा लेते हैं, उसी तरह से झारखंड राज्य झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा लेते हैं, उसके अंतर्गत पैरामेडिकल के एग्जाम कहे जाते हैं, और पैरामेडिकल एग्जाम के थ्रू
आपका परीक्षा ले लिया जाएगा और उसमें अगर आप लोग पास आउट करते हैं तो आपके रैंक के अनुसार से, आपके मार्क्स के अनुसार से आपको कॉलेज प्रोवाइड करा दिए जाते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज। अगर आप लोग गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो आपको कोई भी ट्यूशन फी यानी कि कोर्स फी देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको एग्जामिनेशन फी देना होगा। उसके बाद जो और भी कुछ कुछ फी होते हैं वो फी दे करके, हॉस्टल फी दे करके आप अपना पढ़ सकते हैं। तो अच्छा होगा कि गवर्नमेंट कॉलेज में अपना एडमिशन ले लें। तो एएनएम का गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम प्रवेश परीक्षा देना होता है। तो आप लोग जिस राज्य से हो उस राज्य में पता कीजिए ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से कि वहाँ पर जो एंट्रेंस एग्जाम होगा, प्रवेश परीक्षा होगा एएनएम कोर्स के लिए, वो कब फॉर्म आए हुए हैं, और फॉर्म अगर आया हुआ है तो आप लोग उसे अप्लाई करके, अप्लाई कर दीजिए और एग्जामिनेशन दे करके पास आउट करेंगे तो आप वहाँ पर एडमिशन लेकर के वहाँ से एएनएम का कोर्स कर सकती हो। अब यहाँ पर दूसरा पॉइंट आता है कि प्राइवेट कॉलेज से कैसे करो। अगर आप प्राइवेट कॉलेज से एएनएम का कोर्स करना चाहती हो तो आप लोग डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। डायरेक्ट एडमिशन यानी कि आप लोग अपना सारा डॉक्यूमेंट ले जाइए और उस कॉलेज के जो फी होते हैं वो फी पेड करके आप लोग वहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन इसमें भी बहुत ऐसे कॉलेज होते हैं जो अपना रूल बनाए होते हैं कि एंट्रेंस एग्जाम लेंगे, लेकिन उसका एंट्रेंस एग्जाम नॉर्मल होता है, एक बेसिक होता है, बस आप लोग को उसमें बैठना है और वहाँ पर एग्जाम बैठोगे, पास कर जाएंगे और एएनएम में अपना एडमिशन ले सकते हैं। तो प्राइवेट में कोई ज़्यादा झंझट नहीं है, डायरेक्ट आप लोग फी पेड करिए और अपना एडमिशन ले लीजिए, इस तरह से एएनएम का कोर्स कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि एएनएम का कोर्स तो कंप्लीट कर लिए, एएनएम का कोर्स कंप्लीट करने के बाद आगे क्या करना होगा। एएनएम का कोर्स कंप्लीट जैसे ही हो जाएगा तो आप नौकरी की तलाश में चलेंगे। तो नौकरी आपको कहाँ मिलेगा, नौकरी आपको दो सेक्टर में मिल सकता है। पहला सेक्टर बात करोगे तो गवर्नमेंट सेक्टर और दूसरा प्राइवेट सेक्टर। अगर गवर्नमेंट में नौकरी करना चाहती हो तो आप लोग को फिर वैकेंसी जाते हैं, हर गवर्नमेंट में अलग अलग होते हैं, जैसे बिहार राज्य के अलग होते हैं, उत्तर प्रदेश राज्य के अलग होते हैं, झारखंड के अलग होते हैं, राजस्थान के लिए अलग होते हैं। इन सारे राज्यों से यानी कि आपने जिस राज्य में एएनएम का कोर्स किया उस राज्य में एएनएम नर्स के लिए रिक्वायरमेंट आते हैं, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता जिसे कहते हैं, आप लोग उस फॉर्म को अप्लाई करके वो एग्जामिनेशन लेते हैं, एग्जामिनेशन पास करके एएनएम नर्स पद पर अपना नियुक्ति पा सकती हो और नौकरी कर सकते हैं। अगर आप प्राइवेट में करेंगे तो प्राइवेट हॉस्पिटल में आप अपना इंटरव्यू दे करके वहाँ पर एएनएम का लिए अपना जॉब प्राप्त कर सकते हैं। एएनएम के जॉब प्राप्त करेंगे प्राइवेट में, तो प्राइवेट में अगर बात किया जाए सैलरी का एएनएम के लिए तो 15 से 20 हज़ार हर हॉस्पिटल में अलग अलग होते हैं, वो हॉस्पिटल पर डिपेंड होते हैं। जनरली 12,000, 15,000, 20,000 शुरुआती वेतन आप लोग को मिल जाएंगे। तो ये था एएनएम की पूरी कोर्स की कंप्लीट कहानी, यानी कि अगर आप लोग एएनएम करना चाहते हो तो बिल्कुल रूप से एएनएम का कोर्स कर सकते हैं। एएनएम का कोर्स से संबंधित पूरी जानकारी हम आपको और भी आगे बताते रहेंगे, और डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसको भी क्लिक करके देखिएगा, वहाँ से भी पूरी जानकारी आपको मिल जाएगा।